हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करने वाले PUBG मोबाइल के बैन के ऊपर। तो PUBG मोबाइल फाइनली बैन हो चुका है इंडिया में और उसके बाद सारे जितने भी PUBG प्लेयर थे वो सारे ऑल्टरनेटेड गेम ढूंढ रहे हैं, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी में कोई शिफ्ट हो गया, कोई फ्री फायर में शिफ्ट हो रहा है, कोई फोर्टनाइट मोबाइल में और कोई डिफरेंट डिफरेंट गेम में लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो जो ऑल्टरनेटिव और एक गेम आने वाला है इंडिया की तरफ से, मेड इन इंडिया गेम होने वाला है, वो है फौजी। ये बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ आया है सुनने को, फौजी गेम इंडिया में लॉन्च हो रहा है और भी मेड इन इंडिया। ये जो कंपनी है, ये कंपनी गेम डेवलप करती है, इसका जो बेस्ट है वो बेंगलुरु में है, इस कंपनी का जो बेस है वो बेंगलुरु में। और ये जो पोस्टर ये आज लॉन्च करके इन लोगों ने बताया कि फौजी गेम आ रहा है, मेड इन इंडिया के तहत एक गेम आ रहा है। तो एक्शन गेम होने वाला है, आई थिंक बैटल रॉयल गेम है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये एक्शन गेम है। आई थिंक सो ये बैटल रॉयल होगा क्योंकि पबजी को टक्कर देने के लिए ये गेम आ रहा है, पबजी को रिप्लेस करने के लिए। और इसका जो मैंने इन लोगों का देखा ट्विटर हैंडल, तो ये इससे पहले और एक गेम शायद डेवलप किए थे, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं क्योंकि उतना ज़्यादा इनके बारे में मैंने स्टडी नहीं किया अभी तक। तो ये जो गेम आ रहा है पबजी, इसके बारे में मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि इंडिया की तरफ से इस तरह का गेम पहले कभी नहीं आया, इतना बड़े लेवल पे एक्शन गेम इंडिया की तरफ से इससे पहले कभी नहीं आया। और देखते आने वाले टाइम में इसका ग्राफिक्स वगैरह ऐसे कैसा होता है और इसको खेलने में कितना मज़ा आता है, तो सब वेट करेंगे इसके लिए, फौजी के लिए हम सब तो वेट ही करेंगे। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का और भी न्यूज़ और टेक न्यूज़ वगैरह, टेक्निकल वीडियो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। We'll be right back.